हेलो भाई। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं भालपुर से हावड़ा के लिए। तो देख सकते हैं आज कुहासा कितना ज़्यादा है, इतनी ठंड में सुबह सुबह निकले हैं। ट्रेन भी देखिए आधा घंटा लेट हो चुकी है, लेकिन चलिए ट्रेन का वेट करते हैं, उसके बाद हम भालपुर पहुँचते हैं। भालपुर पहुँचने के बाद आपको हम अपडेट करते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, कृपया कर, नए हैं तो कृपया सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करें कि हम कहाँ का वीडियो बनाएं, और वीडियो में कोई दिक्कत भी आपको आ रही है तो वो हमको कृपया बताएं। तो चलिए भालपुर पहुँच कर हम आपको अपडेट करते हैं। बाकी तो आप देख सकते हैं कुहासा कितना ज़्यादा है, और आगे एक ट्रेन भी लगी हुई है, तो देखिए अब उसका क्या होता है। वो पास करेगी, उसके बाद फिर एक पैसेंजर है, उसके बाद हमारी ट्रेन है हावड़ा जयनगर। तो देखिए सीट उट मिलता है कि नहीं मिलता है, अब तो आने के बाद ही पता लगेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब किए हैं। हेलो दोस्तों, तो देखिए हमारी ट्रेन आ रही है, आ गई है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ से हम चलेंगे हावड़ा के लिए। तो यहाँ से पहले भालपुर का नज़र आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं ट्रेन आ गई है, अब ये यहाँ रुकेगी, उसके बाद हम हावड़ा चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम भागलपुर पहुँच गए हैं, और यहाँ से गाड़ी कुछ देर रुकेगी, उसके बाद यहाँ से हावड़ा के लिए खुलेगी। तो अगला स्टेशन पहुँचते ही हम आपको फिर वहाँ का सीन दिखाते हैं, तब तक भालपुर स्टेशन को आप देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4। इसी गाड़ी के चक्कर में हमको लेट हुआ था, और ये बांका जाने वाली गाड़ी है, और वो देखिए गांधीधाम भालपुर लगा हुआ है, देख सकते हैं भाई चढ़ने के लिए भीड़ कितना है, अपोजिट साइड में इतना भीड़ है। हेलो दोस्तों, तो देखिए हम पहुंच चुके हैं पीरपैंती स्टेशन। भाई सो गए थे, इस कारण से बीच में एक दो स्टेशन छूट गया, और इसे कुछ खास भी नहीं था, तो इस कारण से वीडियो नहीं बनाया। अब ये पीरपैंती स्टेशन पे लगा है, अब यहाँ से खुलेगा तो फिर आगे के लिए चलेगा। भाई ट्रेन तो ठीक ही है, लेकिन टाइम पर ही चला है, बस पहले ही आधा घंटा लेट कर दिया था। अब देखिए फिर 35 खुलता है, उसके बाद हम आगे आपको अपडेट करते हैं। तो भाई देखो हम पहुँचे अभी करम टोला स्टेशन पे, और यहाँ पे जो है ये पहाड़ देख सकते हो, इसे तो अभी कुहासा साफ नहीं हुआ है, इस कारण से थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ट्रेन भी खुल चुकी है, कुहासा अभी तक साफ नहीं हुआ है, इस कारण से सीन भी कैप्चर नहीं हो पा रहा है। चलिए बने रहिए, आगे आपको साहिबगंज में अपडेट कराते हैं, साहिबगंज स्टेशन का व्यू दिखाते हैं भाई। तो देखिए दोस्तों, अब हम साहिबगंज स्टेशन पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे भारी संख्या में यात्री उतरे हैं, और ट्रेन अपने टाइम से बस 20 मिनट लेट है, देख सकते हैं ये साहिबगंज स्टेशन को। ज़्यादा देर तो ट्रेन नहीं रुकेगी, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए भाई अब हम आपको दिखाते हैं, अब हम बोलेंगे कुछ नहीं, और आप लोग देखिए लोगों का नज़ारा। और भाई ये पहले है, और ये हम खिड़की के पास बैठे हुए हैं भाई। तो भाई ये देख लीजिए, इधर से भी साहिबगंज को यहाँ पे एक नंबर प्लेटफॉर्म पर हमको लगाया है, दो नंबर प्लेटफॉर्म उधर, वही तीन प्लेटफॉर्म यहाँ पे है।
स्टेशन तो कुछ खास नहीं है, यहाँ देखिए लिफ्ट भी लगा हुआ है और ये देख सकते हैं पूरा स्टेशन। ये हमारी ट्रेन अब देखिए 10:10 यहाँ से खुलने का टाइम है, देखिए कितना खुलता है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आधा घंटा लगा देगा। भाई लेट तो पहले से ही है, लेकिन यहाँ पर राइट टाइम हो गया आके, लेकिन अब फिर लोग बोले आधा घंटा लगाएगा, देखते हैं क्या करता है। तो चलिए आगे फिर आपको हम दिखाते हैं। वहाँ पे देखिए है स्टेशन शेड के लिए बना है, जितना ये रेलवे बोगी शेड होता है ना वहीं पे इंजन शेड। चलिए आगे फिर हम आपको अपडेट करते हैं साहेबगंज। भाई देख सकते हैं आप ये खेतों की हरियाली और नज़ारा। भाई सुबह सुबह का मौसम बहुत ही सुनहरा है, रेल का सफ़र एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पर चार लोग बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं, बाकी ऐसे तो छोड़िए। देख सकते हैं आगे से भी एक ट्रेन आ रही है और वो ट्रेन जो है पता नहीं कहाँ कैसे लटका दी इसको। बिहार में तो होता है किसी भी चीज़ को कहीं लटका देता है, वो इंजन है सिर्फ। तो भाई आप लोग बने रहिए, जुड़े लोग प्लीज़ कृपया शेयर सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ कर दें और हमें सपोर्ट करें भाई, थैंक यू भाई, आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं तीन पहाड़ जंक्शन और आगे अब ये बरहरबम लगेगा, वहां पे आपको फिर वहां का सीन दिखाते हैं, तो बने रहिए। तो भाई अब हम तीन पहाड़ जंक्शन से चल चुके हैं और अब आगे पहुंचेंगे तो आपको अपडेट करते हैं। भाई अकेले सफ़र का मज़ा तो है ही अलग, लेकिन क्या बताएं अब इसमें उतना ही कष्ट भी होता है। खैर देखिए एक आदमी हमको अमरूद खाने के लिए बोल रहे हैं, मैंने सर्दी है भाई, हमको सर्दी भी बहुत ज़्यादा है इस कारण से हम अमरूद नहीं खाएँगे। वो हमको अमरूद खाने के लिए बोल रहे थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं वो लोग भी, पूरा फैमिली जा रहे हैं कोलकाता ही। हेलो भाई, तो देखिए बरहरबा स्टेशन से गाड़ी अभी खुली है और अब बरहरबा स्टेशन से हम निकल रहे हैं, अब चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेशन रामपुर हाट की ओर। ट्रेन तो अपने राइट टाइम पे चल रही है, लेट था लेकिन राइट टाइम फिर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और पैसेंजर का भीड़ भी आप देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, पूरा खाली है। यार रेलवे का सफर का मज़ा ही अलग है भाई, प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए दूर हो से, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर है, बहुत कम व्यू आता है। अभी हम भी न्यू है, हो सकता है आप भी न्यू भी होंगे, प्लीज़ अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। चलिए
चलिए दोस्तों, तो अभी हम पाकुड़ पहुँचे हैं और ट्रेन लगभग एक घंटा रोक दी थी, लगा दिया। एक तिलीभीटा स्टेशन है उसी पे, जिसके कारण से ट्रेन एक घंटा लेट हो गया। तो देखिए अब ये कितना राइट टाइम हो पाता है, क्योंकि अब तो उम्मीद कम है राइट टाइम होने का। अब रामपुर हाट में रुकेगा, यहाँ भी देखिए 10 मिनट से लगा दिया है। चलिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नलहाटी जंक्शन, यहाँ पर भी गाड़ी आधा घंटा लगा दिया, गाड़ी टोटल डेढ़ घंटा लेट हो चुकी है। और देखिए इसके बाद नलहाटी के बाद रामपुर हाट है, तो रामपुर हाट में देखिए कहाँ लगता है, कितना देर लगाता है, क्योंकि रामपुर हाट इससे ज़्यादा बड़ा जंक्शन है और वहाँ से ज़्यादा गाड़ी है, तो हो सकता है एक्सप्रेस को पास करने के चक्कर में इसको लगा दें। चलिए देखते हैं क्या कितना देर लगाता है। फिलहाल तो नलहाटी से खुल चुकी है, समुन्द्र से दूरी 154 मीटर। ओ उधर अलग जंक्शन है, इधर अलग। वाह,